स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आप सबको रगड़ी सी शून को किस तरीके से तरह की हेयर स्टाइल के साथ लगाया जा सकता है वो बताऊंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया और मैं आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपके साथ ये लुक शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेयर स्टाइल से, जिसके लिए आपको एक कॉम लेनी होगी और अपने बालों को इस तरीके से कॉम करते हुए आपको अपनी बीच की मांग निकालनी होगी। आप ये आपकी मर्जी है, आप चाहे जितनी दूर तक निकालें या छोटी निकालें, मैं या ज़्यादा लंबी नहीं निकालूंगी। उसके बाद आपको सिंपली अपने बालों को ऐसे पीछे करना है और अपनी रखनी। पहले मैं अपने बालों को अच्छे से क्लेचर की हेल्प से ऊपर टैप कर लूँगी। अब मैं अपनी रखड़ी लूंगी। रखड़ी हो चुकी है, अब मैं अपना शीश फूल लगाऊंगी। अब मैं शीश पट्टी या शीश फूल भी कहते हैं, देखिए अच्छे से सिक्योर हो गया है टाइटली। तो ये हमारी पहली हेयर स्टाइल जो कि रेडी है। इसे आप सर पे ओढ़नी रख के भी कर सकते हैं इस हेयर स्टाइल को, और विदाउट ओढ़नी भी कर सकते हैं। ये मैंने ओढ़नी लगा के आपको दिखा रही हूँ, और बिना ओढ़नी के भी आप कर सकते हैं। इससे आपकी जो रखड़ी सीशूल है वो कहीं जाएगा भी नहीं, एक जगह ही स्टेबल रहेगा। ये थी हमारी फर्स्ट हेयर स्टाइल। अब जो सेकेंड हेयर स्टाइल है उसके लिए भी हमें सेम यही सारी चीज़ें स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको सेम फर्स्ट जो हमारी हेयर स्टाइल थी उसकी तरह ही अपने हेयर्स को मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, बीच की मांग निकाल लेनी है और इस तरह से रखड़ी सीशूल को बांध लेना है। और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से अपने कुछ हेयर्स लेने हैं। ये देखिए मैं जैसे ले रही हूँ, आपको सेम इसी तरह से अपने हेयर्स लेने हैं और इस तरीके से आपको एक पिन की हेयर क्लिप की हेल्प से इसे सिक्योर कर देना है। सेम यही प्रोसीजर मैं सेकंड साइड भी करूंगी। यहां से कुछ हेयर्स लूंगी। इन हेयर स्टाइल भी रेडी है। ये तो हमारे आप ओपन हेयर्स की हेयर स्टाइल है, आप ऐसे से खुले वालों में भी रख सकते हैं और अपने ओढ़नी को सर पे रख के भी हम इसे कर सकते हैं। दोनों तरीके से ही ये हेयर स्टाइल बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लगती है। ये देखिए जो नेक्स्ट हेयर स्टाइल है उसके लिए भी आपको इसी तरह से अपने बालों को फ्रीली हेयर कॉम करना है और इस तरीके से अपनी बीच की मांग निकाल लेनी है, अपने हेयर्स को दो सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। और उसके बाद आपको जस्ट क्या करना है, आपको एक इसके लिए एक रबर की जरूरत होगी और आपको इस तरीके से अपने हेयर्स की जो आगे का कुछ पोर्शन है हेयर्स का वो आपको अलग कर लेना है। इस तरीके से दोनों साइड आपको सेम यही कर, दोनों साइड आपको इस तरीके से अपने कुछ बालों को लेकर आगे कर लेना है हेयर्स को और इनको पीछे ऐसे कॉम कर लेना अच्छे से। आपको अपनी रखड़ी लेनी है और अपने बालों के यानी कि कान के पीछे से इस तरीके से ले जाना है उसे, इस तरीके से ले जाना है। मैंने रखड़ी को अच्छे से बांध लिया है, अब मैं अपनी शीश फूल को बांधूंगी। इसको भी
भी आपको सेम वही प्रोसीजर करना है, प्रोसीजर क्यों करना, सेम वही स्टेप करना है। अब आपको एक रबर बैंड लेना है और इस तरीके से अपने बालों को बांधना है। इन बालों को भी आपको साथ में ले लेना है। और आपके बाल भी मेरी तरह यहाँ से थोड़े निकल रहे हैं क्योंकि ये कटिंग की वजह से है। तो आप यहाँ एक पिन की हेल्प से इसे सिक्योर कर सकते हैं। और ये देखिए लुक रेडी है। स्टाइल के लिए भी आपको इस तरीके से अपने बालों को क्लचर की हेल्प से अपने रफी सी फूल को लगा लेना है। क्या करना है आपको, सिंपली दो सेक्शन डिवाइड करके आपको यहाँ से कुछ बाल लेने हैं अपने। हमारी नेक्स्ट हेयर स्टाइल रेडी है। ये बहुत ही सिंपल, स्टाइलिश और वन ऑफ माय फेवरेट हेयर स्टाइल है, इसे मैं हमेशा कैरी करती हूँ। इससे आपके बाल कहीं नहीं जाएंगे, ना आपको कोई परेशानी होगी, आप चाहे कितना ही घूंघट निकालें, चाहे इसे आप कितना ही ऊपर करें, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए कोई भी बाल है वो फेस पे नहीं आएंगे। आपको काम करते टाइम या कोई भी ओकेजन हो, पार्टी हो या घर में कोई फंक्शन हो, तो आपको कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए भी आपको सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको बीच की मांग निकालनी है अपनी इस तरीके से। बीच की मांग निकालने के बाद आपको अपनी रगड़ी लेनी है और उसकी जो दोनों साइड्स है, ये जो डोर होती है, इसको एक साथ लेना है और आपको इस तरीके से लेकर इसको पीछे एक पिन की हेल्प से, आप चाहे बॉबी पिन भी ले सकते हो, मैं हेयर क्लिप ले रही हूँ, इसकी हेल्प से यह सिक्योर कर देना है जिससे ये हिले नहीं, ठीक है। और उसके बाद मैं ये साइड से अपने हेयर्स लूंगी।
से मैं थोड़ा बाउंसी लुक दूंगी। और हमारी हेयर स्टाइल रेडी है। वैसे तो ये लुक सिंपली रखड़ी के साथ ही अच्छा लगता है, स्पेशली जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए परफेक्ट है। वैसे मैरिड भी कर सकती हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इससे बाल भी एकदम सिक्योर हो जाते हैं। सिंपल सोबर हेयर स्टाइल लगता है। और आप चाहिए तो इसके साथ ये शीश पट्टी यानी कि जो शीश फूल है उसे भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, आपको यहाँ से ले जाते हुए अपने जस्ट जो कान है कानों के पीछे से ले जाते हुए आपको बस ऐसे बांधना है और आपका लुक रेडी हो जाएगा। स्टाइल है उसमें भी हमको सेम वही स्टेप्स करने हैं, आपको बीच की मांग निकालनी है और अपनी रखड़ी को इस तरीके से पिनअप करके उसके जो दोनों साइड के जो जो धागा है जो हम बांधने के लिए यूज करते हैं रखड़ी को, उसको एक साथ करके पीछे आपको पिनअप कर लेना है और आपको इस तरीके से अपनी हेयर स्टाइल रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अपने कुछ बाल लेने ऐसे आपको, तो यहाँ से एक लेयर लेनी है और उसको ऐसे क्रॉस करना है। उसके बाद आपको उसकी नेक्स्ट एक और लेयर लेनी है, मतलब आपको वन बाय वन आपको ऐसे लेयर लेती जानी है और हम ऐसे ट्विस्ट करते जाएंगे उसे। इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए आप इसे एक पिन की हेल्प से पीछे की तरफ सिक्योर कर देना है। अब मैं थोड़ा सा इसे बाउंसी लुक देने के लिए थोड़ा इसे बाउंसी बनाऊंगी और ये रेडी है हमारी हेयर स्टाइल। इसी ये हेयर स्टाइल भी मैरिड और मैरिड दोनों गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी हेयर स्टाइल है। ये भी मेनली विदाउट सेशुअल ही अच्छी लगती है, ये रखड़ी के साथ ही हेयर स्टाइल अच्छी लगती है। रोडनी लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ये हेयर स्टाइल लुक देगा। स्टाइल है उसके लिए भी आपको सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपको इसी तरीके से रखड़ी को बीच की मांग निकालने के बाद आपको सेट कर लेना है, लगा लेना है पीछे की तरफ। और आपको उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपने कुछ हेयर्स लेने हैं इस तरीके से और उसे इस तरीके से ट्विस्ट करना है और यहाँ एक पिन की हेल्प से उसे सिक्योर कर लेना है। सेम वही आपको दूसरी साइड भी स्टेप फॉलो करना है। हमारी नेक्स्ट हेयर स्टाइल भी रेडी है। इस हेयर स्टाइल को आप ऐसे भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप अपने शीश फूल को या शीश पट्टी को भी इस पे लगा सकते हैं। सेम आपको इसी तरह जैसे हमने बाकी हेयर स्टाइल में किया था, आपको अपने कान के पीछे से इस डोरी को ऐसे ले जाके और बस पीछे की तरफ आपको बांध देना है और आपकी शीश फूल के साथ ये हेयर स्टाइल रेडी हो जाएगी। बट मैं इसे अभी ऐसे ही रखूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये सारे हेयर स्टाइल पसंद आए होंगे, आपको हेयर स्टाइल आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसा ही मेकअप लुक आपको करके बताऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। थैंक यू।